तो ये आपने देखा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए हम जब 30 डिग्री पे उठाते हैं तो मनी मन 10 काउंट करते हैं 60 डिग्री में विषय प्रकाश से और 90 डिग्री में विषय प्रकाश से। जो साधक इस आसन में अभ्यस्त हो जाते हैं वो इस प्रक्रिया को उल्टा भी कर सकते हैं। तो उत्तान पादासन से हमारी नाभि स्वतः अपने सेंटर में रहती है, वहीं दूसरी ओर जो लोगों के पेट में चर्बी होती है वो कम हो जाती है, हमारे पेट संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। अगले प्रोग्राम में हमारे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुबह सवेरे के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर नमस्कार। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से योग के द्वारा हम अपनी नाभि को सेंटर में ला सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको दूसरा आसन बताने जा रहे हैं, पादोत्तान आसन। इस आसन की हम आपको दो विधि बताएंगे। इसके करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं और हमारे दोनों हाथ इस प्रकार से जमीन पे होते हैं और अपने पैरों को हम 90 डिग्री पर उठाते हैं। पहली विधि में हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो शोल्डर्स होगा, हमारा जो सर होगा वो जमीन पर होगा, और दूसरी विधि पर हम अपने सर को और शोल्डर्स को उठाते हैं। आइए करते हैं पहली विधि। पीठ के बल लेट गए, इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को उठाया 90 डिग्री पे, अपने दोनों हाथ से इस प्रकार से रखा। ये तो रही उत्तान पादासन की पहली विधि। दूसरी विधि में हम इस प्रकार से अपने पैरों को पकड़ेंगे, हमारे दोनों पैर बिल्कुल सीधे होंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लें। तो ये आपने देखा पादोत्तान आसन के दो वेरिएशन। इन आसन को हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहली बात, इन आसनों के द्वारा भी हमारी नाभि जो है स्वतः अपने स्थान पर आ जाती है, पेट की चर्बी कम होती है। लेकिन एक बात हमें जरूर देखनी होगी, जो लोग कमर दर्द और साइटिका से परेशान हो वो दूसरी विधि का अभ्यास न करें। अगले प्रोग्राम में हमारे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।